ही मार माही मारे मार चलो माही आटा मारा चलो बेटा चल आटा मारो माही चलो दिखाया था कि माही घर पे आई है। सो माही घर पे आए, आज 11th डे है, बट हमें माही को वापस उसके ही घर छोड़ना पड़ेगा बिकॉज माही बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई है और डॉक्टर ने रीजन बताया कि जो इतने सालों से वो अपने घर में रही है वो घर को ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। दो दिन से इसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है, फिर भी हम लोग बहुत ट्राई करते हैं बट ये नहीं खाती। गाइस ऐसा समझो कि इसने ना 24 आवर्स तक टोटली वॉमिटिंग की, इसने कुछ भी नहीं खाया। हमने इसको आइसक्रीम खिलाए दो बट उसके बाद भी इसने वॉमिटिंग की है। सो अभी मैं इसको माही को अपने घर ही छोड़ने जा रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं डॉक्टर के पास फिर से जा रहा हूँ क्योंकि माही के ट्रीटमेंट चालू है। 2 दिन का कोर्स था, कल उसको 3 इंजेक्शन लगे और कल ही इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। और दूसरा कि इसको मेडिसिन भी दी बट मेडिसिन भी कुछ असर नहीं की, टोटली वॉमिटिंग में सब कुछ निकल गया। सो गाइस अभी आपने जो पार्ट देखा उसके अगले दिन जिस दिन मैंने आपको बताया कि माही को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, सो उस दिन ना मम्मी ने ना ऐसा बोला, जस्ट बोलने के लिए बोला कि माहू तुझे तेरे घर जाना है, तुझे तेरे घर भैया छोड़ के आए। तो वो ना उसको गई शरीर में पता नहीं एक अलग सी एनर्जी आ गई और वो ना मम्मी के पास जाकर खुश होकर वो हमें जैसा हम लोग बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं वो सामने वाला बोल दे तो हम लोग खुश हो जाते हैं, बस वैसा ही सीन हुआ। और वैसे क्या है गाइस, देखो जानवरों का सीन क्या है, ये लोग ना बस बोल ही नहीं सकते, बाकी सेम टू सेम फीलिंग इन लोगों को हमारी तरह ही होती है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि ये ना अपने घर को मिस कर रही है क्योंकि देखो माही वैसे भी 8 साल की हो चुकी थी और नॉर्मली जो डॉग्स की लाइफ होती है वो 10 to 12 years तो होती है, बराबर एवरेज हम लोग गिन के चले तो। और वैसे भी माही ने 80% अपनी लाइफ वहां पर ही स्पेंड कर दी थी, सो अभी बाकी के जो 20% है वो दूसरे किसी घर में वो कैसे स्पेंड कर पाए, जहां पर वो पूरी अपनी जिंदगी रही है वो टोटली एटमोसफियर चेंज हो जाए और सब कुछ चेंज हो जाए तो वो उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं था। माही ना स्टार्टिंग के 2 दिन भी रो रही थी बट उसको घर पे इतना प्यार मिला कि वो उसने रोना तो छोड़ दिया और टाइगर भी उसके साथ था मस्ती करने के लिए। बट ना जो गाइस देखो इतने सालों से हम कहीं पर रहते हैं तो वहाँ की जो अटैचमेंट होती है वो तो हो ही जाती है। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि जहाँ से तुम माही को लेकर आए वापस वहीं पर उसको रख के, बिकॉज ये ना अपने घर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि डॉग्स को मेन क्या होता है, उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो लोग बीमार होते हैं, वो लोग सैड होते हैं, वो लोग कुछ भी, उन लोगों का कोई भी फिजिकल मेंटल इश्यू होता है तो वो लोग खाना ही बंद कर देते हैं। और सेम वैसा ही वो माही ने भी 2 दिन से खाना बंद कर दिया था। सो गाइस ये सब सीन हुआ, बाद में मैंने आपको जैसा बताया पहले कि अगले दिन मम्मी ने माही को बताया तो माही को एनर्जी आ गई, तो तब ना माही को ऐसा लगा कि मैं उसको रात में मैं उसको घुमाने ले गया था, तो माही को ऐसा लगा कि मैं उसको वापस उसके घर ले जा रहा हूँ। वैसे माही का घर ना बहुत ही दूर था, 25 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, लगभग 25 किलोमीटर। ऑब्वियसली रात को तो मैं जा नहीं सकता था, सो मैंने क्या किया, माही को बाहर 1 घंटा मैंने घुमाया एक्टिवा पर, 1 घंटा मैंने एक्टिवा पर ही घुमाया उसको, तो वो ना एकदम खुश खुश हो गए। मैंने एक जगह पर रुके और उसकी थोड़ी वॉकिंग कराई, तो वो वॉकिंग है आप देखो कितनी एनर्जेटिक उसकी वॉकिंग थी क्योंकि ना उसकी जो कंडीशन थी ना वो मैंने शूट में नहीं लिया और वो वैसे 11 दिन हमारे घर पे रही तो मैंने उतना कुछ शूट ही नहीं लिया क्योंकि मैं तो उन दोनों के प्यार में, टाइगर और माही दोनों के प्यार में इतना पागल था। और दूसरी बात और इसमें मेन क्या है ना, मेरा टाइगर छोटा है ना तो वो ज्यादा मस्ती करता रहता है, अगर कोई घर पे आता है तो ज्यादा मस्ती करता है। सो माही वैसे बिल्कुल शांत थी, तो यही प्रॉब्लम था कि टाइगर को शांत कराने के चक्कर में टाइगर को भी प्यार कम मिल रहा था और माही को प्यार ज्यादा मिल रहा था, तो टाइगर का भी थोड़ा जो बॉडी है वो थोड़ा सूख गया। तो अभी जो माही गई उसके बाद तो टाइगर एकदम खुश खुश और उसकी बॉडी ना वापस पहले जैसी हो गई 2 ही दिन में। ऐसा नहीं था कि वो नहीं खाता था ये वो, बट अभी गाइस आप समझ सकते हो, पहला अगर बच्चा हो और उसको भर भर के प्यार मिलता हो, अगर उसके अलावा दूसरा कोई बच्चा आए छोटा तो सभी लोग छोटे बेबी को ही प्यार करेंगे, बड़ा बच्चा तो अभी समझ जाओ गाइस आप, अगर आप बड़े भाई बहन हो तो आपको पता चलेगा जैसा मेरे साथ हुआ है।
मैं ना हर बार ऐसा ही बोलता हूँ ना तो पापा बहुत चिढ़ते हैं सच्ची में, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं। बट गाइस सच्ची में ये जो 11 दिन की जो अटैचमेंट थी ना वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा थी। मैं ना माही को जब छोड़े गया तब भी मैंने शूट नहीं लिया क्योंकि मैं और मम्मी ना बहुत ही रो रहे थे। माही भी काफी सैड हो गई थी और हम लोग ना कार लेकर जब निकल रहे थे ना तब माही ना दूर दूर जो अपने घर है ना वहां से बहुत ही जोर जोर से भौंक रही थी। उसको भी हमारे साथ आना था बट क्या कर सकते थे हम लोग। उसके बाद हमने ना एक दिन वेट किया और उसके बाद दूसरे दिन ना मैंने पूछा कि कैसा है आंटी माही को ये वो, तो उन्होंने बोला कि तूने जो बताया वो बराबर था कि माही ना अपने घर को ही मिस कर रही थी, यहाँ आकर वो टोटली ठीक हो चुकी है। दत्त के जाने के बाद ना अभी हमारा ऐसा हो चुका था कि मैं गई सच्ची में बताऊँ दत्त के जाने के बाद ना मैं टाइगर को महीने में 3 बार में वेट विजिट के लिए लेकर जाता हूँ। इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता फिर भी मैं वेट विजिट के लिए लेकर जाता हूँ। ना गई सच्ची में मेरी बहुत ही ज्यादा भी फटने लगी जब से दत्त का ये सीन हुआ ना, और मेरी फैमिली वो बेयर ही नहीं कर सकती क्योंकि जो 1 वीक हमारा निकला है ना दत्त के बाद, भाई साहब जो बोलते हैं ना कि आप लोग धरती पर ही स्वर्ग जी लेते हो, और जब से माही गई है टाइगर को बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है, टाइगर मस्त फूल गया है। और इसके बाद टाइगर अभी शांत हो गया, अभी उसको समझ में आ गया कि हाँ ये मेरी फैमिली है, अभी टाइगर अकेला ही है, ये वो सीन है पूरा। कोई नहीं गाइस चलो अभी आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही क्योंकि आज ना प्रियु गई है अभी स्कूल, प्रियु स्कूल से आएगी ना उसके बाद हम लोग हमारा बीजे फूड चैनल का वीडियो शूट करने वाले है और वीडियो शूट में आज है मैकडी पफ ईटिंग चैलेंज। सो ये मैकडी पफ है ना वो होममेड है, वो मम्मी बनाने वाली है। सो कैसे बनाने वाली है, क्या प्रोसेस है, वो हम लोग कैसी चैलेंज करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट बीजे फूड चैनल पर, जो मेरी मेन चैनल है जिसमें मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी इस चैनल पर भी करवा दो, पहले 500 करो उसके बाद 1K करो उसके बाद डायरेक्ट 1 मिलियन करवा दो। तो कोई नहीं गाइस चलो आज के लिए बस इतने। अगर आपको किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर इस ब्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके इस ब्लॉग को शेयर कर देना। सो कोई नहीं गाइस चलो मिलते हैं आप लोग हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।